IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी सरस्वती जयंती के पावन अवसर पर बुद्धि की देवी माता वीणा वादी ने सरस्वती जयंती के अवसर पर कलमकार हरिओम तिवारी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सरस्वती पूजन का आयोजन स्थानीय SGM एकेडमी विद्यालय में आयोजित किया। कार्यक्रम में मंसूर पीठाधीश्वर मणि महेश चैतन्य जी महाराज के सानिध्य में सरस्वती पूजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश दुबे, कांग्रेस नेता PCC सदस्य मनोज होरानी, रिटायर्ड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी RC तिवारी, भाजपा नेता सत्यनारायण तिवारी, बंधु पुरुषोत्तम बयानी, नगर अध्यक्ष सुशील पसारी, श्रीनिवास तिवारी, संकुल प्राचार्य राकेश तिवारी, मुकेश राठौर, कुंदन एसके अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद राजेंद्र मालविया एवं SGM विद्यालय संचालक KK बघेल ने किया। सरस्वती पूजन के दौरान मंसूर पीठाधीश्वर संत का पुष्पमाला पहनाकर शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के विद्यार्थियों को कॉपी एवं कलम का वितरण करते हुए सरस्वती जयंती पर कलमकारों ने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में ब्रजमोहन तिवारी, मनोज तिवारी, कलमकार ओम प्रकाश जायसवाल, शलभ गोरानी, मनीष शर्मा, हरीश जोशी, सुमित शर्मा, जीतू सिंघी, अभिषेक जोशी व शैलेश तिवारी, मनीष पंचोली सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। सतवा से शलभ गोरानी की रिपोर्ट। 15 साल पढ़ाई करी, वो क्या चली गई? तो ये तो अभी जो रत्ती और कबाड़ एजुकेशन सिस्टम है, ये तो बात की बात है जब परिवर्तन आएगा। पर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोगों ने जो सीमित दायरा बना लिया अपना, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे पास आने के बाद ऐसा न बने। इसलिए हम लोग रोज ही इनके मन में ऐसा भाव पैदा करें कि इनमें से कोई महाराणा बनेगा, इनमें से कोई जाकर के वीर शिवाजी बनेगा, इनमें से कोई रानी लक्ष्मीबाई निकलेगी। निकलेगी कहाँ से? वो आपके प्राइमरी स्कूल से ही निकलेगी। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।